एहतसाब है भी नहीं, पूरी दुनिया आप जान चुकी है, जा रहे हैं अपने आप को पेश कर रहे हैं एहतसाब के लिए, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम गिरफ्तारियों से अल्हम्दुलिल्लाह घबराने वाले लोग नहीं हैं। पनामा पे चलने वाला मुकदमा जब इकामा जैसी चीज़ पे ख़त्म होगा तो सवाल तो उठे और जज हजरात को इसका जवाब देना भी पड़ेगा। और डेढ़ साल जो मुकदमात चले बार बार फैसले आए, हमने हर मुकदमे को फेस किया, मगर जब कानून की कुर्सी पे बैठने वाले जब फरीक बन जाएं तो वहाँ दलाइल और सबूत की कोई हैसियत नहीं। बड़ी अजीब सी बात है जो कि मिस्र का केस भी है, सजा पाने के बाद भी हम पे ट्रायल चल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है लेकिन ट्रायल चलता जा रहा है। जब तक नवाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो जाती है, क़यामत तक ट्रायल्स चलते रहेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फतह है कि पिछले डेढ़ साल में एक के बाद एक ट्रायल चला, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। आज भी जो सवाल आज DIT में गए थे वो आज भी सवाल हैं, क्योंकि वो झूठे इल्जाम हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। तो ये जो सब चल रहा है ये मुझे समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। एक सिलसिला जो चला है इसका भी एंड होगा और इसका अंजाम करीब है इंशाल्लाह ताला।